जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मैंने बताया था आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सीपीओ एसआई यानी कि जिसके अंदर सेंट्रल पुलिस फोर्स चाहे एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, इन सभी के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रखी है जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और 4300 पोस्ट है इसके अंदर जो एसएससी लेती है। अब इसके अंदर काफी सारे भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने बताया कि सर हमारे को इसका सिलेबस के बारे में बताओ कि इसमें सिलेबस क्या आने वाला है ताकि हम उसके आधार पर इसकी तैयारी करें और हम हमारा सिलेक्शन ले सके। तो दोस्तों इसका संक्षिप्त के अंदर मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं और यही सिलेबस है जिसके अंदर आप अगर इसमें अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ये वैकेंसी सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए है और जिसके अंदर सीआईएसएफ के लिए एएसआई भी लेते हैं। इसके अंदर दो पेपर होंगे, तो सबसे पहला पेपर है पेपर वन जिसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 ये मार्क के होंगे, नंबर के होंगे और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/4 यानी कि आपका एक क्वेश्चन अगर चार क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो आपका एक नंबर काटा जाएगा। ये इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा ये। उसके बाद में इसमें मैंने इधर पार्ट लिखा है, ये चार पार्ट में पेपर होगा, फिर सब्जेक्ट लिखे विषय और फिर प्रश्न और फिर नंबर। आप लोगों को मैं बता दूं पार्ट ए यानी कि पहले पार्ट ए के अंदर क्या सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग इसका पार्ट है, वो पहला ए पार्ट है जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगी, ये दोनों मिला के जनरल इंटेलिजेंस, तार्किक योग्यता, मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता और रीजनिंग, ये सारी चीजें मिलाकर आप लोगों का पहला पार्ट होगा जिसके अंदर 85 क्वेश्चन रहेंगे और 85 नंबर का रहेगा। उसके बाद में बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर क्या आएगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज जीके सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर या अवेयर जो भी अवेयरता से संबंधित वर्तमान के अंदर चल रही जितनी भी जानकारी मुद्दे वगैरह है वो सारे करंट अफेयर के और जनरल सामान्य ज्ञान, इसके 50 क्वेश्चन और 85 नंबर होंगे। उसके बाद में पार्ट सी है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणितीय संक्रियाएं, आपकी जितनी भी जो गणित है इसका एक अलग इसमें पार्ट है, पूरा पार्ट सी है जो गणित के क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर 50 क्वेश्चन है और 85 नंबर के रहेंगे। इसके बाद में आपके पास में है डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर क्या होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि ग्रामर आएगी, इंग्लिश आएगा जिसके अंदर इंग्लिश का पैराग्राफ आएंगे जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देना है, ये 50 क्वेश्चन रहेंगे और 85 नंबर का रहेगा। इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, पीईटी पीएसटी होगा, फिजिकल जो पास कर लेंगे कैंडिडेट उनके लिए फिर एक पेपर और होगा यानी कि इस पेपर के बाद में सीधा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और जो फिजिकल में पास हो जाएंगे, पीईटी पीएसटी में पास हो जाएंगे उनको फिर पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। पेपर सेकंड के अंदर क्या होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और ये ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन होगा यानी कि इसके अंदर ओनली फॉर ये इंग्लिश का पेपर होगा जिसके अंदर लैंग्वेज आएगी यानी कि इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिसके अंदर सारे हमारे सब्जेक्ट जिसमें जितने भी पार्ट है इंग्लिश ग्रामर के वो सारे पूछे जाएंगे और उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। ये भी 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का रहेगा। दोनों ही पेपर के अंदर 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो अब आपके सामने ये सिलेबस है, इसके अंदर अब आप पूछ रहे हैं कि सर इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्या पढ़े या इसमें सब्जेक्ट है जीके जीएस के अंदर क्या पढ़े, जीए के अंदर क्या पढ़े, गणित के अंदर क्या पढ़े, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़े, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने पेपर ले लीजिए, इसके सीपीएसआई के पुराने पेपर ले लीजिए और वहां से अगर आप उनको देखेंगे पेपर को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, तो वहां से आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी, आपको आइडिया होगा और आप इस पेपर से फेमिलाइज हो जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आप मुझे बता सकते हैं, वहां पर भी आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ये आपका सिलेबस है जिसके अंदर आपको तैयारी करना है, अपना 8-10 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा पेपर है, अच्छा लेवल का पेपर है और अच्छी नौकरी है, तो सारी चीजें जब अच्छी है तो पेपर भी अच्छा होगा, लेवल भी अच्छा रहेगा, लेकिन पोस्ट भी अच्छी है, 4300 पोस्ट है, तो आप लोगों को जी जान लगा के इसकी तैयारी करना है। वर्दी पर सितारे लगाने का जो जुनून है वो आप इसमें आराम से पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी और आप तैयारी करेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।